और नौजवान की तमा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी सदस्य समाज की सेवा करने चाहते हैं, पहले से जो समितियां बनी हुई हैं उसी समिति की धारा से जुड़कर और उसमें सहयोग करें, उसमें मदद करें, और अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो कुछ दिन उसमें काम करें और काम करके नेतृत्व में उसी समिति में आगे बढ़ें, ना कि एक समिति नई बना करके और मैं अध्यक्ष हूँ, मैं सचिव हूँ, मैं अपनी समिति चला रहा हूँ, ये गलत बात है। इसमें समाज कभी भी एक नहीं हो सकता, ना आपकी आवाज़ दिल्ली तक जा सकती है। इसलिए आप अपना नाम कमाने के लिए अपने समाज को डुबो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और नाम की जहाँ तक बात आती है तो मैं अपने समाज की महिलाओं से ज़्यादा प्रेरित हूँ, क्योंकि जब वो अपना घर छोड़कर अपने ससुराल आती है वो अपना नाम वहीं छोड़ देती है, उसका नाम घर की तख्ती पे भी नहीं होता है, उसका नाम कहीं भी नहीं होता है, लेकिन वो अपना पूरा जीवन बच्चों को पालने में, पोसने में, उस परिवार को बनाने में, उस घर को बनाने में, उस घर को सुदृढ़ बनाने में, उसको घर को सुंदर बनाने में, उस घर को रख रखाव बनाने में अपना पूरा जीवन दे देती है, और मृत्यु के बाद भी उसका नाम नहीं होता है। तो मेरा ख्याल है कि हम पुरुषों से ज़्यादा तो जागरूक महिलाएं हैं, और वैसे ही मैं पुरुषों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो नाम कमाने की आवश्यकता ना समझें, अपनी ऊर्जा समाज को तरक्की में लगाएं, दिल्ली तक पहुंचाने में लगाएं और योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाने में लगाएं। बस मेरी यही विनती है, और एक बार फिर आपको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। छत्तीसगढ़।